नमस्कार, क्रिएटिव पठड़ी में आपका स्वागत है। सीक्वेंस सीरीज का आज हम पार्ट 13 देखेंगे और यह क्वेश्चन थोड़ा अजूबा रहेगा। अजूबा इस केस में रहेगा कि स्पेशल सीक्वेंस सीरीज में इसको संग्रह किया गया है। क्वेश्चन आप गौर से देखिएगा। क्वेश्चन का कंडीशन पहला कह रहा है, यह बात को समझिए, x का वैल्यू 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा। अगला सिचुएशन में कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल sin स्क्वायर x sin x का पावर 4 sin x का पावर 6 इंफिनिटी तक और log 2 ऑन द बेस की। अगला है सेटिस्फाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल। तो आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x माइनस cos x sin x प्लस cos x। तो यह वैल्यू आपका निकालना है। तो यह वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा, आप दिमाग लगाइए कि यहां पर देखो ये जीपी बिल्कुल जीपी है। यह जीपी को आपने यहां पर समझ गया तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और नीचे वन माइनस साइन एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल रहेगा और यहां पर log 2 ऑन द बेस। आप इसको गौर से देखेंगे तो यह किसी की फार्मूला हो गई tan स्क्वायर x। तो यह tan स्क्वायर x की फार्मूला हो गई, यानी इसकी फाइनल हो गई 2 tan स्क्वायर x। यह वैल्यू को आपने y मान, क्योंकि एक्स एक्स रहेगा तो आपको मानने में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इसमें आप रख देंगे तो इसमें आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और आठ आएगा। तो यहां पर एक और आठ लाना है तो उस सिचुएशन में आपके पास यहां पर जो वैल्यू होगा वो आठ होगा। यानी यहां पर 2 के पावर 3 करने पर 8 हो रहा है, यह बात को क्लियर है। यानी यहां पर tan स्क्वायर x इक्वल टू आपका 3 हो गया, यानी यहां पर tan x की वैल्यू √3 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो आपको भाग दे दीजिए cos x। तो अगर cos x से भाग दे देते हैं तो यहां पर tan x माइनस 1 और यहां पर tan x प्लस। अब tan x की वैल्यू आपको यहां पर पता चल गया √3 माइनस 1, यहां √3 प्लस 1, रेशलाइज कर दीजिए √3 - 1। तो √3 - 1 से रेशलाइज कर दिए तो 3 + 1 - 2 √3 और 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, यानी 4 - 2 यानी कट के 2 - 1। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था लेकिन ये आईआईटी जब एडवांस के प्रश्न पूछा गया था, गेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न को सब लोग हार्ड समझ रहे थे लेकिन बेसिकली ये हार्ड नहीं था, बहुत इजी था। अगला प्रश्न आपके पास है, यहां पर प्रश्न देखिए कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x एंड y। यहां पर भी देखिए तो प्रश्न बहुत ही इजी है और इस इजी प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले इसकी हम बात करें तो आप गौर से देखिएगा कि यह जीपी फॉर्मेट में है और वह जीपी फॉर्मेट में क्या है, या log x ऑन दी बेस आपका यहां पर आपने कॉमन ले लिया तो यहां 1, 1/2, 1/4 सो इंफिनिटी विच कर दिया। यानी यहां पर log x ऑन दी बेस 10 और ये इंफिनिटी तक है तो 1 माइनस यहां हाफ हो गया। अब इसके आप जो सॉल्व करेंगे तो फाइनल log x ऑन दी बेस 10 और 2 यहां बराबर आपका y हो गया। यह बात आपका क्लियर है कि आपका आंसर क्या आया और क्या यहां पर हुआ, यह बात आपका क्लियर है। और यहां पर जो या आपका जो हुआ यह बात आपका क्लियर हो गया, इसमें आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब यहां पर तुम जब इसको सॉल्व करोगे 1, 3, 5 ए वाले तो यहां तुम्हारे पास Sn का फार्मूला लगा, तो Sn का फार्मूला यहां भी Sn का फार्मूला दोनों को कंपेयर करवा दो
और कंपेयर करवाओगे तो इसकी वैल्यू वहां पर रखने की जरूरत आ जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा x बराबर 10 के पावर 5 और y बराबर 10। अगला ये प्रश्न भी देखो तो काफी आपका दिखने में लगेगा, लेकिन प्रश्न बहुत ही इजी। यहां पर गौर से देखो, यहां nth इंटीग्रेशन यहां दिया हुआ है 0π/4, यहां पर tan nh। अब यहां पर in प्लस 2 कर दो तो यहां पर 0π/4 और यहां पर tan n प्लस 2 h। अब दोनों को जोड़ यहां in और in प्लस 2 तो 0 से π/4 हो जाएगा और यहां tan अब तुम्हारे पास क्या आएगा कि यहां आई एन और आई एन प्लस 2, तो यहां पर तुम्हारे पास इसको सॉल्व करोगे तो 0 से π/4 टाइम के पावर एन एक्स कॉमन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यहां आई एन प्लस 2 हो जाएगा। यहां पर tan की पावर 10 प्लस 1 x और tan प्लस 1 y/2, यानी यहां पर in प्लस 2 इसका हल करोगे। गौर से देखो ये रेसिप्रोकल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, यानी इसको हम रेसिप्रोकल में कर रेसिप्रोकल में करेंगे तो 1 by in plus 2 बराबर n प्लस। अब n का वैल्यू 1 रखोगे तो यहां पर 1 रखने से 3 आ जाएगा और 2 रखने से तो 4 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 3 और 3 और 5 वाला रखने से इसका वैल्यू हो जाएगा 4 और इसका वैल्यू हो जाएगा 5। तो ये बेसिकली एपी का ही फॉर्मेट था लेकिन अपना रंग चेंज कर दिया था, यानी 3 4 5, यानी पूछा है कि पहचानो कैसा है, तो यह एपी है। अब इसके पास पूछा कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस करोगे तो 3 में से 4 गया, यानी 1 का कॉमन डिफरेंस है, तो यहां पर एपी प्रश्न आपका क्लियर हो गया कि कॉमन डिफरेंस। एक प्रश्न भी और करवाते हैं कि गौर से देखो 1:1 है, यानी यह 11 कैस्पर, यह आपका 111 कैस्पर, यह 111 इसका स्क्वायर है, यानी जब भी होगा तो यह ऑड नंबर का ही स्क्वायर होगा। यानी इस टाइप के हम वीडियो लेकर के आपसे हम मिलते रहेंगे। सीक्वेंस सीरीज का भी 2 वीडियो और आएगा, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर का हम लोग को 15-15 का है, यह 13वां नंबर हमारा ये कंप्लीट हो गया। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कितना हार्ड था, यानी आपको उसमें घुसा हुआ था इंटीग्रेशन का कांसेप्ट, और इंटीग्रेशन को जब हमने सॉल्यूशन किया तो वहां पर एपी इनडायरेक्ट फॉर्म में दिखा और उसकी कॉमन डिफरेंस निकालना बिल्कुल आसान। तो इसी ढंग से आप जुड़ते रहिए और अच्छे अच्छे प्रश्न, यानी प्रत्येक चैप्टर का हम 15-15 भाग लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।